सर्दियों में खाने पीने की चीज़ें तो होनी चाहिए फिर। समोसे खा के मज़ा उड़ाए। ये हैं गद्दे हमारे बहावलनगर के शेल्टर होम के लिए, और उसके लिए रज़ाइयाँ ख़रीदने आए हैं। कुछ मेरे पास ब्लैंकेट वगैरह आए भी हुए हैं, वो ले जाएंगे साथ। और ये यहाँ से ख़रीदने आए हैं। देखें, हाँ ये कलर प्यारा है, इसमें आप दो कर दें। दो ये है ना, दो ये लाल कर देता हूँ। ठीक है, दो ये ग्रे। और मैं देख लेता हूँ कलर और पड़े। रज़ाइयों में प्यारे प्यारे कलर दिखाएँ। ये रज़ाइयाँ हम ले रहे हैं जी, वहाँ पर जाना। इस रज़ाई में कितने कलर और हैं वो भी दिखा दीजिए। ये अच्छे हैं, कलर अच्छा है इसका, मेहंदी और येलो से। ये रज़ाई है, दिखाएं ज़रा खोल के। हाँ ये कलर भी अच्छा है जी। जी व्यूवर्स देखें कितना प्यारा है। गुलशन की किस्मत, उसकी किस्मत से कई लोगों की किस्मतें बदलेंगे अब इंशाल्लाह। आप लोग साथ हैं तो इंशाल्लाह। हाँ ये वो गद्दे के साथ ही मैचिंग हो गए। ये इनके कवर हैं जी, रज़ाइयों के, और जो गद्दे हम ले रहे हैं ये उनके लिए कलर हम पसंद कर रहे हैं। साटन का कपड़ा ये है। हाँ ये कवर है उसके। वाश करें खराब है। हाँ जी मुझे पता है, तो ये भी देखते हैं इंशाल्लाह। ये इसका कवर चढ़ाया तो ज़्यादा प्यारा हो गया। रज़ाई अब ज़्यादा प्यारी लग रही कवर चढ़ा। वाओ। गुलशन के लिए हो रही है जी शॉपिंग, ठीक है। उसके लिए कुछ प्यारे प्यारे से सूट भी मैं लेने लगी हूँ, ताकि उसको अच्छा लगे। जब वो शेल्टर होम में जाए तो उसको प्यारा लगे। देखिए अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कलर ज़रा ना, प्यारा प्यारा मेकअप भी देखिए। ये मेरे ना सिस्टर का ब्रांड, मैं लॉन्च हो गई माजा ब्रांड। मैं भी हैरान हूँ कि उन्होंने ब्रांड कब बना लिया। ये भाई बता रहे माजा ब्रांड तोपा। कलर प्यारे हैं जी, ये कलर प्यारा है। अब आया देखें। मैंने जाना है ना, तो फिर ये चले गए। थैंक यू। मुझे जानते हैं जी? जी जी बच्ची जानता हूँ। कैसे? YouTube पे देखा था आपकी मोटिवेशनल स्टोरी आई हुई थी बड़ी। आप मेडिकल स्टोर में रखा से आपने वहाँ से स्टार्ट लिया था। जी जी। और उसके बाद फर्दर आपने अपना एजुकेशनल करियर बताया था। जी। किस तरह से आपने बिस्मिल्लाह एजुकेशन जी जी कंप्लीट की। MBA आई गेस जितना मुझे याद है। यस। MBA का बताया था। जी जी मैंने MBA किया। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। आप तो मेरा डिस्काउंट बनता ही बनता है। मैं तो लिटरली वो बंदा हूँ जिसने शॉप स्टार्ट करके अभी तक खर्चे नहीं पूरे कर रहा सिर्फ। चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके काम में। हकीकतन मैंने इस्लामाबाद से यहाँ शिफ्ट हुआ, लिटरली मैंने सबसे कम प्राइसेस मार्केट में रखी। मुझे लगता है बहुत पढ़े लिखे हैं तो ये शॉप क्यों कर रहे हैं। मेरे अपनी शॉप है। अच्छा। अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, सेटअप स्टार्ट किया, बिजनेस है। बिजनेस नहीं, अच्छा अल्लाह ताला जो है ना तिजारत में बरकत रखते हैं और कहते हैं कि तिजारत करें आप। चले जी, हमारा ना जो शेल्टर होम है उसके लिए सामान खरीदा जा रहा है, तो ये भाई मुझे जानते थे और इनका बड़ा शुक्रिया, और इनसे हम सामान ले रहे हैं सारा। आप बताएं, अच्छा कहाँ देखा था मुझे? ये देख लीजिए। हाँ आपका फेस नहीं आ रहा। नहीं ये अच्छा है नजमा, ये वाला सारा शेल्टर होम के लिए सामान खरीदा जा रहा है जी। कलर वाली दें भाई कोई, यहाँ से हम सामान लेने आए हैं प्लास्टिक का जी। आ गए हैं आप? लेकिन ये इनको मैंने सिखाई थी एक ज़माने में, अब ये बड़े एक्सपर्ट हो गए और लोगों को बड़ा बताते हैं कि मुझे कॉफ़ी बनानी आती है, अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं ना। तुम चुप रहो। अच्छा दिखाएं, ये कॉफ़ी हो रही है जी। ज़्यादा तुमने कर लिए इस दफ़ा। नहीं मैंने नहीं जी, मैं अभी पानी नहीं सही डाला मैंने, एक कतरा डालना था। मैं अभी करूँगा। अच्छा मैं भी देखती हूँ जी, पता चल जाता अभी कैसे हो रही जी। जी और आ चुके हैं मेहमान। क्या है शेखुपुरा से कल हमारे साथ जाएंगे बहावलनगर शेल्टर होम के लिए। मुन्ने को तो आप जानते ही हैं।
जबार भाई हमारे लिए जी स्पेशल कॉफी बना रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरी पहली मुलाकात ही इनसे, वैसे उन्होंने थोड़े से वक्त में बहुत ज्यादा मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया। जबार भाई आपका शुक्रिया, वेलकम जी। ओए होए 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 होए, अच्छा बन गई। ओहो दिखाएं जरा ऊपर करके। ये देखो जी, ये देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी कॉफी। बहुत ये तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया। हाँ आधे घंटे में ये बनी है जनाब जी। चले अब बना के दिखाएं ना, फिर मजा आए। ये कब हुआ? हाँ जी अभी आए थे मेहमान, ये उनके लिए चाय बनी है, ले जाए बाहर दें जल्द। ठीक है, और ये इधर कॉफ़ी जी बनाए जी, चलें जी। वाओ। कोई बात नहीं, इधर लाए मैं डालूँ, मुझे दें। बात तो सुने, पीछे करो चम्मच, पीछे करो। ये बनी है, इसे कहते हैं क्रीमी कॉफी। लाए इधर भी। जी ये चीज मेरे अजीज जी। चले इसको मिक्स करें जनाब जी। चले बस ठीक, बनाओ बनाओ जल्दी। एक और न्यू बॉर्न बेबी, ओए ओए एक और न्यू बॉर्न बेबी आ चुका है। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? ओए ओए मम्मा के पास लेके चलो, मैं आ रही हूँ। बहुत मजे की बनी है। इसमें थोड़ा दूध हाँ डाल ले। लुक कॉफी की हाँ, बस सिखाई किसने, सिर्फ इतना बोल दे। बस अपनी तारीफें करी जाएगी। नहीं नहीं सिखाई किसने, तुम्हें पता था कॉफी का? ये है मरवा। वाह जी वाह, मरवा हो गई है 3 माह की तकरीबन, 4 माह की होगी, 4 माह की होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सबसे पहले मैंने आपको एक न्यू बॉर्न बेबी दिखाया था ना, तो वो ये थी मरवा। आज ये मेरे से मिलने आई, इसकी आंखें देखें कितनी प्यारी, चाइनीज। ये क्या बिस्किट खिला के ऊपर से चूसनी ना पिलाओ ना, जो पीठ जज़्ब हो जाती ना, नहीं जज़्ब हो जाती। छोटे बच्चे, ये लो बच्चे मरवा, इसी माँ थे इतनी गोरी नहीं सी, पता नहीं किन्दे थे गई है, पापा थे गई। हाँ पापा तो क्रीमा ला के गोरा होया, मैंने पता है। तेरे पापा क्रीमा लगाते हैं ना, बड़ी बड़ी क्रीमा एडिया ने बड़ी लगाते थे, मार्क्स लगाना मैंने पता है, वो क्रीमा ही लाते ने। हाँ बाजी वाह, लगाते थे अब नहीं लगाते। आयमा आयमा के, ये आयमा जैसी लगती है ना, ये सेम उसकी कॉपी है मरवा। मेरे पास रह जाओ, मैं न्यू बॉर्न बेबी का वैसे भी सेंटर खोलने लगी, तुम सारे उधर ही रहना ठीक है। नहीं मामा को दिखाने की जरूरत नहीं है, वह बच्चे ही काफी है, बच्चों को देख के अंदाजा हो जाता है मामा की शक्ल कैसी है। एक खुशखबरी है, उसकी वजह से मुझे ये सूट गिफ्ट दिए जा रहे हैं दो, ये बहन ने दिया है। जब ये फाइनल स्टिच होगा मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। ये दिया बहन ने सूट, और ये दिया है भाभी ने। बताइए आपको कैसे लगे जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, घरों में शाद और आबाद होंगे। तो जनाब अली सारा दिन की रूटीन आपने देखी, यहाँ पे मेरे बच्चे बिल्कुल दोनों सो चुके हैं, मेरा मुन्ना और मेरी मीबू। मीबू को आज थोड़ा थोड़ा बुखार था, तो मैंने फिर उसको मेडिसिन वगैरह दी ठीक। अच्छा जी कल मेरे हस्बैंड और मैं एक डॉक्टर के पास गए थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी बस उनके साथ जो है ना वो ऐसे ही माड़ी सी है, मैं माड़ी मोटी जिसे नहीं कहते, वो लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से मैंने उससे कहा कि ये मैंने लगा देना है, अपलोड कर दूँगी। कहते हैं कोई बात नहीं, तो वो थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, दुनिया तो पीछे ही पड़ गई सब। आपने अपने शोहर की कदर नहीं की, आप शोहर को ताने देती हैं, आप दूसरी बीवी को जेलस उससे होती हैं, ये है वो है, बड़े मुझे कमेंट्स जो है ना वो पढ़ने को मिले, तो मैं बहुत हंसी।
मुझे अब बड़ी हंसी आई, एक बात आज क्लियर कर दूँ, साल जा रहा है, लास्ट डे है और 2 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे आए हुए। मेरी तरफ से अगर किसी का दिल दुखा है, मेरी वजह से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है, मेरी वजह से अगर किसी को भी कोई भी नुकसान हुआ है, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा माजरत करती हूँ। 2023 सबके लिए खुशियों भरा हो और उसमें सब लोगों की जो है ना वो अच्छी अच्छी सी ख्वाहिशें जो भी हैं वो पूरी हो जाएं और सबके लिए अच्छा हो, पाकिस्तान की खैर हो, ठीक है, मुसलमानों की खैर हो, जहाँ जहाँ भी वो हैं। तो ये हमारी दिल से दुआ है। तो जनाब अली, लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, कभी नहीं बदलते, चाहे आप कुछ भी कर लें, लोग आपको जीने नहीं देते। आज ये बात मेरी पल्ले से बांध लें, लोग आपको जीने नहीं देते। बेवा औरत हो, तलाक याफ्ता हो, वैसे हो, जीने नहीं देंगे। लोगों को परवाह नहीं होती आपकी, लोग कहते हैं आप मरें जिएं कुछ भी करें, उन्होंने सिर्फ अपना काम करना होता है। इसलिए मैंने लोगों की परवाह करनी छोड़ दी है, मेरी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है। लोग कोई भी बातें करें, कुछ भी कहें, उज़्मा ये है, उज़्मा वो है, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं इस दुनिया में आई हूँ सिर्फ 2-3 मकसद हैं उनके लिए। ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, मुख्तसर सी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों की बातों की वजह से अपने काम रोक के रखूँ। हाँ, मेरे शौहर के साथ जो भी मेरे ताल्लुकात हैं, जैसे हैं, वो मेरे अपने हैं, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं, कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरा साथ देते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और लव। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासर हो, खुश रहें, आबाद रहें, और जाते जाते आज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और 2023 सबके लिए अच्छा हो, ये दिल से दुआ है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगे, और मैं और आज मियाँ जी दोनों गलत ट्रेन में बैठ गए और फिर वहाँ से उतर के वापस आए, तो बड़ा बस क्या बताऊँ आपको, वो भी बड़ा हंसे और मैं भी। तो मैंने कहा देखें, ये छोटी छोटी सी खुशियाँ, इससे इंसान को खुशी मिलती है, खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि खुशी जो है ना वो किसी की विरासत में नहीं है, वो आपने अपने चेहरे पे एक स्माइल से जानी है, चाहे आप अंदर से टूटे हुए हैं, चाहे आप अंदर तूफान आपके अंदर एक बरपा है, चाहे आपके अंदर जितना भी शोर मचा हुआ, आपने अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, ताकि आप दूसरों को स्माइल जो है ना दे सके और दूसरों के चेहरों को रोशन कर सके। थैंक यू सो मच, ढेर ख्याल रखिएगा, ज़रूर सोचिएगा कि 2023 में आपने क्या, 22 में आपने क्या खोया, क्या पाया, और 2023 में आपने कौन से गोल अचीव करने हैं, क्या गोल सेट किए हैं, कमेंट्स बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।